यस बेटा, एज यू नो लेसन कीपिंग हेल्दी इज गोइंग ऑन, है ना। मैम ने थोड़ी सी आपके साथ एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, सो ओपन योर बुक, ओपन योर ईवीएस बुक, पेज ओपन। बेटा जिस जो बच्चा इन अननेसेसरली बोलेगा ना, आई विल पुट यू इन द वेटिंग रूम। हाँ जी, ओपन पेज नंबर 18 ऑफ योर बुक। बैक एक्सरसाइज में क्या होता है, बैक एक्सरसाइज से ही पता चलता है कि आपने चैप्टर की थॉरली रीडिंग की है या नहीं। टू चेक द नॉलेज ऑफ द चैप्टर, कि आपको उस चैप्टर की कितनी नॉलेज हुई है, आपने उसको कितना थॉरली रीड किया है, हम बैक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें वेरी स्मॉल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनकी जिसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है, ओके, ब्लैंक्स भी हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, एंड फर्स्ट इज द टर्न ऑफ, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक हुम शुड आई कॉल टुडे। राजवीर, गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज राजवीर। रीड द हेडिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास। हेडिंग कहाँ है, हेडिंग कौन सा है राजवीर? हाँ जी, टिक द करेक्ट आंसर, ये हेडिंग है। जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन करना होता है इन एनी सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रीड द हेडिंग, क्योंकि आपने क्या करना है, दैट इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द हेडिंग, वो इंस्ट्रक्शन हेडिंग में। अब आप इसको बिना पढ़े अगर आप नीचे का पढ़ना शुरू करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या करना है। ओके, म्यूट योर सेल्फ राजवीर। नाउ इट्स द टर्न ऑफ परबवीर। परबवीर, ये वन नंबर पे रीड करो बेटे। रीडिंग तो क्या, परबवीर नो रेस्पॉन्स। दृष्टि, दृष्टि, यस मैम। हाँ जी बेटा, रीड दिस फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस ये वन एम ई नो स्टार्ट फ्रॉम हियर वाला। डू यू हैव योर ओन बुक, आपके पास अपनी बुक है? Yes, ma'am. And read. Same sentence. W-E-B. उधर देख के मैम को बोलो ना जल्दी जल्दी से बोलो। Should. Should. We should eat. Eat. Plenty. Plenty of. उसके बाद क्या है, plenty होता है। और heading था correct answer. अच्छा आगे बोलो। Correct answer में क्या होता है? You are given some option. आपको कुछ options given होती है. Like, wait for some time, Drishti. One. टू थ्री ऑप्शन है, इन थ्री ऑप्शन में से यू हैव टू फिल द करेक्ट ऑप्शन हियर। आपने यहाँ करेक्ट ऑप्शन फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द ऑप्शन, अदरवाइज यू गिव आंसर्स इन द चैट बॉक्स, एट लीस्ट योर आंसर राइट्स द आंसर्स। आपके मम्मा टाइप आंसर करते हैं सारे, यहाँ पे है ना। एफ
जल्दी से बोलो, ऐसे बोलो, स्पेलिंग नहीं बोलो, रीड दिस वर्ड। हाँ क्या करो? फ्रूट्स। इट्स फ्रूट्स। जहाँ पे मैम बोल रहे हैं, विच वर्ड इज दिस? ए पे कौन सा वर्ड है? इट्स बर्ड। यहाँ लिखा फ्रूट्स। एंड थर्ड वन इज, थर्ड वन इज ये वाला। बेटा डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, दृष्टि डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग। हरिति, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ हरिति। हरिति बेटा मैंने टू टाइम्स ही कॉल करना है आपको। परव, परव परव, स्विच ऑन योर वीडियो। परव नो रिस्पॉन्स। मनरीत कौर, मनरीत कौर। यस मैम। हां जी बेटा, रीड द सेंटेंस नंबर वन। यही सेंटेंस एट प्लांटी ऑफ, क्या आएगा? कौन सी ऑप्शन आएगी? विच इज द करेक्ट ऑप्शन मैम? फ्रूट्स। हाँ जी, वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ। तो यहाँ आपने क्या फिल करना है आंसर में? फ्रूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ मनरीत? हमें मीनिंग ऑफ प्लेंटी, हमें ढेर सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, लार्ज अमाउंट में, बहुत सारी क्वांटिटी में। हाँ जी, एंड वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट मीन्स हमें बहुत सारी क्वांटिटी में फ्रूट्स खाने चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ नितिका। नितिका मैम। हाँ जी बेटा, रीड द सेंटेंस नंबर टू। नीड टू टू वी शुड ऑलवेज, बेटा बहुत बार आता है आपकी बुक में ये वाला वर्ड चैप्टर्स में ना। वी शुड ऑलवेज प्ले इन द, प्ले इन द। देयर आर थ्री ऑप्शंस, नाउ रीड द ऑप्शंस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज Nitika, are you there? First option. No response. Himani, Himani Rai, Himani. Yes, ma'am. Better read the options which are given for sentence number two. के लिए जो options given है उनको read करो. Okay ma'am, we should our always play in, always play in the hello ma'am, we should always play in the, now read the options, यहां से चूज करना है आपने ऑप्शंस में से। व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन है पी ए आर के। डू यू हैव योर बुक और नॉट? आपके पास अपनी बुक है? देन यू कांट सी दिस वर्ड, आपको ये वर्ड नहीं पता चल रहा। It's P-A-R-K, क्या बना? Park. Two number. It's two number, क्या बना? House. House.
एंड थ्री नंबर लाइब्रेरी बेटा डू प्रैक्टिस ऑफ और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आप क्या वी शुड ऑलवेज प्ले इन द कहाँ खेलना चाहिए आपको पार्क वी शुड ऑलवेज प्ले इन द पार्क बेटा बहुत टाइम लगाया आपने इट मींस आपने लेसन अच्छे से रीड ही नहीं किया नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ हरगुण कौर यस मैम यस मैम बेटा रीड सेंटेंस नंबर 3 आ दिया अब अब डी नंबर आवर बॉडी गेट्स रेस्ट आगे कौन सी ऑप्शन आएगी रीड द ऑप्शंस इस पे क्या लिखा है ए ऑप्शन क्या है आ वाला ए ऑप्शन मैडम पूछ रही ए ऑप्शन वर्क हाँ हाँ वर्क वर्क सेकंड ऑप्शन प्ले 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 थर्ड ऑप्शन इज स्लीप स्लीप व्हिच इज द करेक्ट वन स्लीप स्लीप और आप वर्ड्स को बहुत ड्रैग करते हो खींच के बोलते हो अवर बॉडी गेट्स ऐसे नहीं बोलना आपने सिंपल बोलो अवर बॉडी गेट्स रेस्ट व्हेन वी स्लीप जब हम सोते हैं हमारी बॉडी को रेस्ट मिलती है नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ मायरा 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 Yes, ma'am. हाँ जी मायरा नाउ रीड दिस हेडिंग बेटा पेज नंबर सेम है बेटा अभी हमने ए पार्ट किया है नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट बी टैग एक्सरसाइज का पहले हमने पार्ट ए किया नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट बी इट इज ऑन द सेम पेज उसी पेज पे है यस मायरा रीड द हेडिंग टेक द करेक्शन वर्ड्स It's there. Listen to me. It's correct. CORECT. It's correct. Correct. Words. Give. Given. 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 In the blanks. Brackets. It's brackets. Brackets कैसी होती है? देखो जो blue color से लगी है ना, जहाँ पे मैम cursor move कर रहे हैं अपना. एक ये ब्रैकेट है एक ये ब्रैकेट है अब ये दो ब्रैकेट हैं, तो हमने क्या बोला इनको ब्रैकेट्स अब आप नोटिस करो इस ब्रैकेट के अंदर टू टू वर्ड्स हैं, पहले वन वर्ड लिखा फिर स्लैश है उसके बाद एक और वर्ड है तो इस सेंटेंस के लिए इन दो वर्ड्स में से इन टू वर्ड्स में से एक जो करेक्ट वर्ड होगा उसके ऊपर आपने टिक कर देना है ओके मैम हाँ जी रीड द फर्स्ट वन बेटा फर्स्ट को रीड करो फर्स्ट सेंटेंस को वी शुड ड्रिंक वी शुड ड्रिंक उसके बाद टू वर्ड्स हैं ब्रैकेट के अंदर मिल्क कोला ड्रिंक मिल्क और ये वर्ड क्या लिखा है कोला कोल्ड इट्स कोल्ड और ये ड्रिंक हाँ जी तो क्या बन गया कोल्ड ड्रिंक वी शुड ड्रिंक मिल्क ये स्लैश है मतलब और कोल्ड ड्रिंक ये वर्ड क्या है डेली डेली हमें इन दोनों चीजों में से डेली क्या पीनी चाहिए मिल्क मिल्क तो आप लोग मिल्क के ऊपर टिक करोगे इफ यू कैन सी आई डोंट नो कोड आपको इस समय विजिबल नहीं होगा बट यू कैन
अंडरस्टैंड कि मैम क्या बता रहे हैं, आपने मिल्क वर्ड के ऊपर ऐसे टिक करना है, राइट आप सर्कल भी कर सकते हो मिल्क वर्ड को, ओके हाँ जी। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ करमन सिंह। करमन सिंह, यस मैम। हाँ जी बेटा, रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। वी शुड प्ले इन द पार्क ऑन द रोड। हाँ जी, ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक इन द पार्क, उसके बाद ये स्लैश है, इसके बाद ऑन द रोड। हाँ जी, कौन सी करेक्ट है? इन द पार्क। करमन सिंह, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा? इन द पार्क। वी शुड प्ले इन द पार्क, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट गुरसिफ्त कौर। गुरसिफ्त कौर, यस मैम। हां जी बेटा, रीड सेंटेंस नंबर 3। बोर्डिंग इन प्रोग्रेस। रिक्रिएशन मेक्स अस फ्रेश। वन मोर वर्ड इज देयर, टायर्ड। विच वर्ड इज दिस, जहां पे मैम अपना कर्सर मूव कर रहे हैं, ये वर्ड कौन सा है? टायर्ड। टायर्ड, एंड डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन? No. Do you remember the meaning of recreation, Gursif? No. अगर आपको recreation का meaning ही पता नहीं होगा, नहीं याद होगा, you won't be able to complete this sentence. आपको नहीं पता चलेगा इस sentence को कैसे complete करना है आपने। Recreation means those activities which give us enjoyment, जिन activities को करके हमें enjoyment मिलता है, हमें मजा आता है, हम खुश होते हैं, वो कौन सी activities आती है? वो recreation के under आती है। And अब आप इसको complete करो, recreation fresh, recreation makes us fresh. Good. Next, Sabreen. Yes, ma'am. Read sentence number 4, beta. Okay. Good. Okay. Good. Good. Good posture. Sabreen, you are not audible to me, beta. Good posture. Good posture our body fit. One word is fit and another one is unfit. And unfit. Posture यहाँ s आएगा बेटा, keeps आएगा, अपनी book में correction कर लेना। Good posture keeps our body. ओके, पोस्चर कीप्स अवर बॉडी फिट, तो आप किस पे टिक करोगे? फिट वर्ड के ऊपर। सबसे फर्स्ट में आपने मिल्क पे टिक किया, फिर इन द पार्क पे टिक किया, फिर फ्रेश पे टिक करना है, फिर फिट पे। अब आप नोटिस कर रहे होगे कि जहां भी आप सभी सेंटेंसेस में फर्स्ट वर्ड पे टिक आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में भी आपको मैम ऐसी सेंटेंसेस दे सकते हैं कि जिसमें आपको फर्स्ट वर्ड पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे नहीं कुछ भी लर्न कर लेना कि सोच लोगे कि हाँ जी ऐसा क्वेश्चन आ गया इसका मतलब फर्स्ट वर्ड पे टिक करना होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ कीर्ति राणा। थैंक यू मैम। कीर्ति राणा, कीर्ति राणा, नो रेस्पॉन्स। सुखजोत सिंह, यस मैम। हां जी बेटा,
फाइव नंबर रीड करो. रीड करो. स्लीप गिव्स अस अस. ऐसे क्यों बोल रहे हो? स्लीप सिंपल बोलो. स्लीप स्लीप गिव्स अस स्लीप गिव्स अस अस. फिर आपने बोला अस 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 गिव्स अस अस रेस्ट. रीड दिस वर्ड. ये वर्ड क्या लिखा है? कंप्लीट कंप्लीट. रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. एंड दिस वर्ड इज अगला किधर है? बोलो बोलो. इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट. लास्ट वर्ड इज आई. बोलो. इन इनकम्प्लीट. आर ई एस टी. वेरी सिंपल वर्ड बेटा. रेस्ट रेस्ट. आप इसमें से करेक्ट वर्ड चूज करके फुल सेंटेंस बोलो. बोलो सारे. आप सारे बोलो. स्लीप गिव्स अस अस कंप्लीट रेस्ट. बेटा अपना वे ऑफ स्पीकिंग थोड़ा सा ठीक करो. इतना स्ट्रेस नहीं देना अपने वर्ड्स पे. स्लीप गिव्स अस कंप्लीट रेस्ट. तो यू विल पुट द टिक ऑन द वर्ड कंप्लीट. ओके. होप कि आपको ये सेंटेंसेस सारे क्लियर हो गए हैं. ठीक है बेटा. ये आपको तभी बैक एक्सरसाइज करोगे अगर आप अपना चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे. सो हेयर इन दिस स्लाइड देयर आर द यू हैव टू रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ द एक्सरसाइजेस. ओके. हरलीन हरलीन हरलीन. यस मैम. हाँ जी बेटा. रीड द हेडिंग. ये आपकी है. आप आ गई सी पार्ट. पहले हमने ए पार्ट किया था. देन वी डिड बी पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डू सी पार्ट ऑन द सेम पेज. पेज नंबर 18 पे ही. हाँ जी हरलीन बेटा. हेडिंग को रीड करो पहले. यस मैम. व्हाट इज द हेडिंग? हाँ जी हेडिंग आ तो सुबह लगी. ये हेडिंग जहाँ मैम कर्सर मूव कर रहे हैं. राइट द Name names of names calling exercises. Write the names of following exercises. हाँ जी. First one कौन सी है? Can you recognize? Running. 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 Spelling. स्पेलिंग आर ए. नो. रन के क्या स्पेलिंग होते हैं? जी रन के क्या स्पेलिंग होते हैं? आर ए आर आर ए यू. रिद्धि हैज गिवन द करेक्ट आंसर. तेजवीर ने भी दिया है करेक्ट आंसर. हाँ जी. कशिश yes. रनिंग के स्पेलिंग नहीं आते आपको? हरलीन बोल रही सॉरी. कशिश स्पेलिंग बताओ रनिंग के बेटा. डबल एन आई एन जी. Are you double N I N G running? Yes. And next is the turn of Janvi. Janvi from first pink section. Janvi. Bolo. Beta, don't type unnecessarily things in the chat box. Some students are just wasting their time.
Brahmleen Kaur has written the names of all the active exercises. Good, Brahmleen. Yes, Janvi, recognize this activity, beta. Skipping. Skipping. Yes, spellings. S-C-I-P-P-I-N-G. Beta, can you repeat? Janvi, can you repeat, beta? S-K-I-P-P-I-N-G. S-K-I-P-P-I-N-G. Skipping. Very good. And next is the turn of Jasdeep Kaur. Jasdeep Kaur. Beta, third exercise. Recognize the third one. Beta, third exercise. Recognize the third one. Third exercise, kaun si hai, beta? Third exercise, kaun si hai, beta? Y-O-T-A. Y-O? Y-O-T-A. Y-O? Y-O-T-A. Y-O-G-A-X. Yoga. Yes. तो बेटा ये आपकी है इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 18 एंड बट इन होमवर्क यू विल डू वर्क ऑन पेज नंबर 18 एज वेल एज ऑन पेज नंबर 19 आल्सो ठीक है वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जस्ट लाइक एक्टिविटीज हैं ऑन द पेज नंबर 19 एंड यू विल कंप्लीट बोथ द पेजेस राइट In your homework, you will complete both the pages. So, I am going to repeat again. You have to do part A, part B, and part C on the page number 18. And part D, jo hai, wo question answers hai, we will do later on. And page number 19 pe exercise E hai, A, jisme aapne matching karni hai. और उसके नीचे भी एक है दैट इज अगेन एक्टिविटी है वो आपने करनी है ठीक है बहुत सिंपल सा वर्क है आई नो यू पीपल कैन डू ऑन देयर ऑन आप अपने आप को वर्क कर सकते हो आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग देयर बुक्स अदरवाइज वी कैन डिस्कस ओवर हियर हम डिस्कस कर लेते हैं उसको भी ओके लेट मी गौरी बत्रा बेटा बुक है आपके पास गौरी बत्रा बेटा डू यू हैव योर बुक यस मैम हाँ जी बेटा पेज नंबर 19 ओपन करो यस मैम इस पे क्या लिखा है ई हेडिंग में क्या लिखा है जो है आपका क्वेश्चन नंबर ई है उसका क्या हेडिंग है कैन यू रीड मैच द पिक्चर्स ऑफ इंडोर गेम्स विद Their names. Very good. बहुत अच्छी रीडिंग की है गौरी ने वेरी वेल डन एंड कैन यू टेल मी फर्स्ट वाला जो बना हुआ है फर्स्ट कौन सी गेम है कौन सी इंडोर गेम है कैरम कैरम तो आपने क्या करना है कैरम पे आपने कैरम कितने नंबर पे लिखा हुआ है टू टू पे तो आपने कैरम की साइड पे ऐसे टू लिख देना है ठीक है लाइंस नहीं लगानी अवॉइड टू ड्रॉ द लाइंस फॉर मैचिंग मैचिंग में लाइंस आप अवॉइड करोगे यू विल जस्ट पुट द नंबर टू ओके नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ ब्रह्मलीन कौर ब्रह्मलीन कौर यस मैम बेटा नेक्स्ट कौन सी है इंडोर गेम स्नेक एंड लैडर मैम कैरम तो स्नेक एंड लैडर पे आप कितना नंबर डालोगे थ्री वेरी गुड स्नेक एंड लैडर पे आप डालोगे थ्री नंबर नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ प्रथम गुप्ता
प्रथम गुप्ता प्रथम नो रिस्पॉन्स तरनप्रीत फर्स्ट ग्रीन नाइन रोल नंबर तरनप्रीत यस मैम थर्ड गेम कौन सी है बेटा यस मैम थर्ड गेम कौन सी है डू यू हैव योर बुक आपके पास बुक है यस मैम हाँ जी फर्स्ट वन थी कैरम सेकंड वन स्नेक्स एंड लैडर्स थर्ड वन कौन सी है जो कैरम के नीचे बनी है मैम कैरम कैरम मैम कैरम के नीचे यस इट मींस आप अटेंटिव ही नहीं थे आपको पता ही नहीं क्या बताना है आपने है ना मैम लूडो हाँ जी कैरम के नीचे क्या बताना क्या बनी हुई है मोनिका मैम म्यूट योर अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज तनवीर कौर बेटा विच गेम इज दिस यस मैम हाँ जी बेटा विच गेम इज दिस Yes. मैम आपको खेलनी आती है चेस नो मैम ये चेस खेलनी अभी आप बहुत छोटे हो सकता नहीं आती हो सो बेटा दैट्स इट फॉर द डे आज का हमारा इतना ही वर्क है ओके सो यू विल कंप्लीट द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन ऑन पेज नंबर 18 एंड 90